आप सभी लोगों ने शायद पहले भी कथा को सुना होगा। मैया बातें नहीं करें, केवल कथा पर ध्यान दें, क्योंकि हम हर जगह ये बात जरूर देखते हैं कि यदि कोई दृष्टांत की बात बताते हैं तो बड़े अच्छे से सुनते हैं, और जैसे ही कथा में प्रवेश करते हैं तो महाराज कथा तुम सुनते नहीं हो, अपने आप के मन को भटका लेते हो। भागवत महापुराण है क्या? भागवत महापुराण कहते किसे हैं? एक थोड़े से महाराज दो तीन प्रश्न हैं मेरे मन में जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अनेक सालों से इसी कथा को सुनते आ रहे हैं, लेकिन कथा को सुनकर के आज तक तुमने अपने जीवन में आखिर क्या उतारा, मैं ये देखना चाह रहा हूं कथा के माध्यम से। क्योंकि आज जितनी कथा खंडवा में हो रही है उतनी कथा अन्य जिलों में नहीं होती है। होती है क्या? खंडवा नगर प्रॉपर में जितनी कथाएं चलती है उतनी कथाएं अन्य जिलों में नहीं होती खंडवा की अपेक्षा। और आप लोग भी खूब जाते हो, देखो आज पहले दिन लगभग आधा पांडाल भर गया, तो कहीं ना कहीं भक्ति है अपने अंदर, भगवान से हम लोग कहीं ना कहीं प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो प्रेम सच्चा है कि झूठा है ये अब देखते हैं महाराज। अच्छा, भागवत महापुराण देवी है या देवता है? मैयाओं से प्रश्न पूछ रहा हूं, खूब कथाएं सुनते हो ना, ये आप की मानसिकता जानने के लिए, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं भागवत महापुराण को समझ ही नहीं पाते और कथा सुनते हैं तो लाभ कैसे मिलेगा? भाई पहले मंजिल पता होना चाहिए और मंजिल के बाद सही रास्ता भी पता होना चाहिए ना। यदि सही रास्ता नहीं पता होगा तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? और चलो रास्ता भी पता है लेकिन मंजिल नहीं पता तो मंजिल को छोड़ करके आगे चले जाओगे, क्या भरोसा? इसलिए भागवत महापुराण का आज केवल परिचय समझेंगे, कथा कहते किसे है, देवी है या देवता है? मैया पहले बताएं, देवता है कि देवी है? अच्छा, देवी वाले अपने हाथ ऊपर करें पहले इस पांडाल में, जो कहता है कि भागवत महापुराण एक देवी है अपने हाथ ऊपर करें, कोई शर्म की बात नहीं, देखो ये तो अपने आप की वो है। और जो कहता है कि देवता है, आप देवता वाले अपने हाथ ऊपर करें, शर्म की कोई बात नहीं। अच्छा, इधर से भैयाओं में देवता है, ठीक है। अब कहीं लोग फिर देवी में भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। भागवत महापुराण जो है मैया वो एक देवता है, कैसे है सिद्ध करके बताएंगे। और हम लोग क्या बोलते हैं? बोल भागवत माता की जय। अब बताओ तुम्हारे घर में यदि तुम्हारे पिता को कोई माता कह के यदि पुकारे तो पिता सुनेंगे क्या? या सही है? तो उसी प्रकार हम लोग जब जयकारा भी लगाते हैं तो आज पहले दिन की कथा में एक बात अपने ध्यान से मन में बिठा लेना कि भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार है। क्या है? यानी कृष्ण भगवान, और भगवान क्या होता है? एक देवता का नाम होता है, एक मनुष्य का नाम होता है, पुरुष का नाम होता है। सिद्ध करके बताएं, क्योंकि भागवत महापुराण की कथा में आरती जब हमने आज भी प्रातः काल आरती गई तो कैसी आरती गई? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। किसकी? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अब भगवान किसका नाम है? किसी स्त्री का नाम होता है या पुरुष का नाम होता है? पुरुष का नाम होता है, इसलिए भागवत महापुराण क्या है? भगवान है। बोले भागवत भगवान की।